सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव आर के तिवारी ने की कोविड से हुई मौत के बाद उनके परिजनों को दिए जाने वाले आर्थिक सहायता की समीक्षा। कहा पोर्टल पर किया जाए आवेदन, पीड़ितों को दिया जाएगा सहायता राशि। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उद्योग बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक। उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता पूर्वक समयबद्ध तरीके से निस्तारण के दिए निर्देश। कहा शासकीय योजनाओं की पत्रावलियों के निस्तारण में विलम्ब अक्षम्य। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र स्थित वरदायनी हॉस्पिटल के सामने मॉडल शॉप पर हुई वेटर की हत्या में वांछित एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खाद कारखाने की संचालन करने वाली कंपनी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ए.के. गुप्ता मीडिया से हुए रूबरू। कहा 7 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे खाद कारखाने का लोकार्पण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। अब किसानों को शुद्ध, सरल और सस्ता खाद होगा मुहैया, बढ़ेगी खेती की उत्पादन क्षमता। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसएसपी ने रामगढ़ताल थाने पर लगाया पुलिस चौपाल। फरियादियों की सुनी फरियाद। कहा नागरिकों के सहयोग से काफी कारगर साबित हो रहा है पुलिस चौपाल। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए जिले का स्वास्थ्य महकमा हुआ सतर्क। सीएमओ ने कहा बाहर से आने वाले व्यक्तियों की जा रही है जाँच, अभी तक नहीं मिला कोई भी पॉजिटिव। हर बुधवार पुलिस अधिकारी आपके द्वार के तहत एसपीसीटी ने कैंट थाने पर लगाया पुलिस चौपाल। फरियादियों की सुनी फरियाद। कहा अधिकतर मामले आए पारिवारिक व भूमि विवाद से संबंधित, निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल से निकाली गई जन जागरूकता रैली। एड्स के बचाव के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। सीएमओ ने कहा असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है एड्स। ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत वैद्यनाथ स्मृति तृतीय अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का खेल राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ। उद्घाटन मैच में इंडियन नेवी ने ITBP को 47-42 अंकों से किया पराजित। खेल मंत्री ने कहा खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रदेश की योगी सरकार कटिबद्ध। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 138 केंद्रों पर 17,547 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 3,643 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 13,905 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और विश्व एड्स दिवस के अवसर पर IMA ने शुरू किया निःशुल्क OPD, निकाली एड्स जागरूकता रैली। अध्यक्ष ने कहा वरिष्ठ चिकित्सक करेंगे गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज, एड्स के प्रति रहें सावधान।